नमस्कार दोस्तों, पांचवें चरण के लिए 20 मई को होने वाले मतदान को लेकर जहां राजनीति पार्टियां जोर जोर से अपना प्रचार प्रसार कर रही है, जैसे जैसे प्रचार के एक एक दिन कम होते जा रहे हैं, वैसे वैसे रायबरेली की लोकसभा सीट पर विजय पाने के लिए कांग्रेस हो या बीजेपी, सब अपना अपना दम झोंक रहे हैं। प्रचार प्रसार के दौरान सोमवार को राहुल गांधी एक ऐसे दुकान पर पहुंच गए जहाँ दुकान वाला भी आश्चर्यचकित रह गया। कुछ देर तो वह सोचता रहा कि यह सपना देख रहा है या हकीकत है, लेकिन जब दुकान पर राहुल गांधी पहुंचे तो पहले उसका हालचाल पूछा और फिर कहा कि दाढ़ी सेट कर दो। जब राहुल दाढ़ी बनवा रहे थे तो वहां उनके समर्थकों की भीड़ लग गई। मिथुन की हेयर कटिंग की दुकान पर राहुल गांधी का काफिला पहुंचा था। काफिला लालगंज से जाते समय अचानक ब्रिजेंद्र नगर मोहल्ला स्थित मिथुन की बाल कटिंग की दुकान पर रुक गया, जहां राहुल गांधी ने अपनी दाढ़ी ठीक करवाई। आप भी देखिए वायरल वीडियो। जी जी सर, आजकल यही सब चल रही है। और यहाँ पे आके कहते मुझे ऐसा चाहिए? हाँ ऐसा है। और आपके बाल कौन काटता है? हमारे जो काम करते हैं साथ। और अपने काम के बारे में बताओ, कितने घंटे करते हो, कितना पैसा बनता है? अभी बन जाता है 400-500 रुपए, सुबह 7 बजे से रात को 8:30 बजे तक। तो कैसे सीखे सर जी? गाँव में सरेनी में सीख रहे थे, फिर मुंबई गए। किसने किसने सिखाया? हमारे बड़े भाई। अच्छा, वो भी यही करते? हाँ वो भी करते सर। फिर आप बम्बई गए? हाँ। किसी सैलून में काम किया? हाँ सैलून में सर जी, नौकरी कर रहे थे। वो कैसा लगा? सर जी ठीक था, इधर गाँव में इधर ज्यादा सही था। अच्छा, और कितने साल से कर रहे हो? सर जी 2005-06 से कर रहे। अच्छा, दुकान किराए की है? हाँ सर। कितना देते हो किराया? 1500। और कितने लोग काम करते हैं? सर जी 3 लोग काम करते हैं। पापा क्या करते थे? बैंक में पीन है। अच्छा। पानी वानी देना। आपने वो एक वीडियो देखा जिसमें वो आग लगा देता है? हाँ सर। बाल पे? हाँ सर। वो क्या हो रहा है? अरे ड्रामा करते हैं सर जी, उसमें कुछ नहीं। अभी हम लोग एक दो आते हैं क्लाइंट, बोलते करो तो हमको कुछ पता ही नहीं कि जल जाएगा। जल जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी सर। तो जो फैशन बनता है, हाँ, कैसे बनता है? अरे सर जी ये सब हीरो लोग सब ये बनाते हैं। हाँ सब क्रिकेटर लोग कटा लेते हैं तो इधर लोग देखते हैं कहते हैं भैया ऐसा मुझे चाहिए। हाँ ऐसा चाहिए सर जी, हम लोग परेशान हो जाते नए कटिंग। आप कुछ और काम करना चाहते थे भाई या यही थी चॉइस? सर जी हम पढ़े नहीं थे तो फिर यही काम करने। मैंने भारत जोड़ो यात्रा की थी तो दाढ़ी बहुत लंबी हो गई थी। हाँ सर जी वो देखे थे हम लोग टीम में। कितने लोग बाल काटते दिन में? 10-12-15, संडे दिन ज्यादा हो जाता है, 20-25 हो जाता है। हमारी महालक्ष्मी योजना का नाम सुना है? जी सर। गरीबों के बैंक अकाउंट में 1,00,000 रुपए? जी सर। साल के? जी बढ़िया। महिलाओं को? हाँ। आप कब तक पढ़ाई की? सर जी 5वीं तक। क्यों छोड़ दी? पैसे रुपए की थोड़ा दिक्कत थी। 4 भाई थे। अच्छा, भाई क्या करते? अब भाई ऐसे ही अपना काम कर रहे हैं, ये सैलून में। कोई एक लोग मुंबई में नौकरी कर रहे हैं। हाँ। गाँव में एक लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो रायबरेली के विकास के लिए सबसे बड़ी चीज क्या हो सकती है? रोजगार सर जी, और कुछ नहीं। जो अग्निवीर वाला ये सब, अग्निवीर बंद होना चाहिए। हाँ सर जी। अग्निवीर को तो बंद कर रहे हैं हम, अगर हमारी सरकार आएगी तो उसको तो खत्म कर देंगे। बच्चे लोग मेहनत करते सर जी। और आप दो तरीके के शहीद बना रहे हो, एक अग्निवीर एक दूसरा। युवा अग्निवीर के काफी खिलाफ है ना सर जी? यूपी और बंबई में आपको क्या फर्क लगा? इधर पैसा कम थे, इधर चले गए थे। अच्छी लगी बंबई? अभी तो नहीं सर जी, पहले तो अच्छी लग रही थी। अरे उधर सर जी 10-12 हजार मिलता था और खाना पीना।